खबर पंजाब से, जिला गुरदासपुर के दीनानगर में तीसरी बार कांग्रेस की विधायक बनी अरुणा चौधरी को शिक्षा मंत्रालय मिलने के बाद अपने इलाके दीनानगर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और मिठाइयां बांटी गई। वहीं अरुणा चौधरी ने बताया, पिछले 10 सालों में शिक्षा का ग्राफ काफी कम हुआ है, हम उसे अब सुधारेंगे। कहना चाहती है कि लोगों को बहुत खुशी है, बहुत वध चढ़ के उन्होंने वोटा पा के बहुत भारी इतिहासिक लीड कल में जताया है, तो नेचुरली वो बहुत ही खुश थे। मैम, सिक्ख्या मंत्री तुसी बने हो, ते सिक्ख्या दे लई तुसी की ठोस कदम उठाओगे? देखो, 10 साल दे मिस रूल जड़ा भी पिछली सरकार दे वेले रहा है, काफी कुछ सुधारण की लोड़ है। अजे ते असी अपना महकमा संभाले ही है, असी डिस्कशन करके जो जो ये सुधार करन दी अपने अपने पोर्टफोलियो च अपने डिपार्टमेंट कमियां होनगियां उन्हों दूर करांगे। मैम, जिला गुरदासपुर के लिए की अहम उपराले करन जा रहे हो? काफी कुछ है साडे माइंड दे विच, क्योंकि जो जो चोन मैनीफेस्टो दे विच भी असी इंक्लूड किया, वो जे सारे असी वादे पूरे करांगे, स्पेशली अपने बॉर्डर बेल्ट दा खास ध्यान रखांगे। मैम, सरहदी एरिया का दीनानगर बहुत पिछड़ा इलाका है, जिथो बल्कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बल्कि तहु सिक्ख्या मंत्री बनाया, तो की अपने दीनानगर हल्के लिए भी कुछ कोई एहजा जरूर करा, कोई नवे प्रोजेक्ट लैके आवे, डिवेलपमेंट करावे, और जो जो कमियां ने असं बेहतर तरीके जानते हैं, क्योंकि असं विचरे हैं रहने सू पता है कि इतने की प्रॉब्लम्स ने, वो जरूर दूर करा। अब देखना यह है, पंजाब की जनता ने जो जनादेश कांग्रेस को दिया है, क्या कांग्रेस अपने वादे पूरे कर पाएगी, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। गुरदासपुर से अवतार सिंह की खास रिपोर्ट।